मेरठ और हापुड़ के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12 बजे मेरठ में करेंगे प्रभावी मतदाता संवाद, ब्रह्मपुरी में प्रभावी मतदाताओं के साथ करेंगे संवाद, क्षेत्र में घर घर जनसंपर्क भी करेंगे सीएम योगी। दोपहर 2 बजे हस्तिनापुर करेंगे प्रभावी मतदाता संवाद, दोपहर 3 बजे हापुड़ में मतदाता संवाद को करेंगे संबोधित, गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के मतदाताओं से करेंगे प्रभावी संवाद, भत्सियाना गांव में सीएम योगी करेंगे घर घर जनसंपर्क। तो आज मेरठ और हापुड़ के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज उनके कार्यक्रम तय किए गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन की ओर से जनसभा के लिए भी अनुमति दे दी गई है और साथ ही आज से बीजेपी जनसंपर्क अभियान भी चलाएगी। डोर टू डोर जाकर लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की जाएगी। मेरठ और हापुड़ ये दोनों ही गढ़ चुनाव के मद्देनजर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। ऐसे में मेरठ और हापुड़ की जनता को अपने पक्ष में करना एक बड़ी चुनौती है सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए और साथ ही बीजेपी के लिए भी। हालांकि दोपहर 12 बजे मेरठ में करेंगे प्रभावी मतदाता संवाद, यानी कि 12 बजे मेरठ पहुंच जाएंगे जहां पर मतदाता संवाद वो करेंगे, ब्रह्मपुरी में प्रभावी मतदाताओं के साथ करेंगे संवाद, क्षेत्र में घर घर जनसंपर्क भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यानी कि मेरठ में कई ऐसे घर हैं जहां पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और जनता से अपील करेंगे बीजेपी के पक्ष में वोट करने की। दोपहर 2 बजे हस्तिनापुर करेंगे प्रभावी मतदाता संवाद, मतदाताओं से संवाद करेंगे कि आखिर अब तक उनके द्वारा क्या कुछ कार्य किए गए हैं विकास कार्यों के साथ ही वो जनता से अपील करेंगे बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए। दोपहर 3 बजे हापुड़ के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, वहां पर मतदाता संवाद को भी संबोधित करेंगे। जिस तरह मेरठ में मतदाता संवाद को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, ठीक वैसे ही हापुड़ में 3 बजे मतदाता संवाद को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के मतदाताओं से करेंगे प्रभावी संवाद, भत्सियाना गांव में सीएम योगी घर घर जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे, घर घर जाकर जनता से वोट की अपील करेंगे। आपको बताते चले कि 10 तारीख यानी कि 10 फरवरी से उत्तर प्रदेश में मतदान की शुरुआत होनी है और ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मतदान की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इस बार चुनाव बीजेपी के लिए हो गया है, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी अपने विकास कार्यों को गिनवाकर जनता के बीच आ रही है तो वहीं विपक्ष लगातार बेरोजगारी, महंगाई, तमाम ऐसे ही मुद्दों को लेकर बीजेपी पर कटाक्ष कर रहा है और साथ ही जनता से अपील कर रहा है कि इस बार परिवर्तन करें सरकार में और साथ ही राज्य के विकास के लिए परिवर्तन काफी ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि पहले 12 बजे मेरठ पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, उसके बाद 3 बजे हापुड़ के लिए वो रवाना हो जाएंगे। हापुड़ में भी जनसंवाद करेंगे, मतदाता संवाद करेंगे, वहीं मेरठ में भी मतदाता संवाद सीएम योगी की ओर से किया जाएगा, जहां पर मेरठ और हापुड़ दोनों ही जगह पर मतदाता इकट्ठा होंगे और साथ ही उनके सामने, उनके समक्ष, उनके द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए कार्य, जो अब तक किए गए हैं विकास कार्य, उनको लेकर रखा जाएगा और साथ ही अपील ये की जाएगी कि 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ विजयी बनाए, सरकार को सत्ता में लाए ताकि उत्तर प्रदेश को आगे भी उत्तम प्रदेश बनाने में बीजेपी सरकार कार्य करती रहे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी भी लगातार आज से काफी एक्टिव नजर आएगी और ऐसे में समाजवादी पार्टी की ओर से भी अपने जो सहयोगी दल है उसके साथ जनसभाएं समाजवादी पार्टी भी करती नजर आएगी। अखिलेश यादव और साथ ही जो सहयोगी दल हैं वो साथ मिलकर जनसभाएं करेंगे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में। हालांकि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होने हैं। पहले चरण की शुरुआत 10 तारीख से होगी, 10 फरवरी से, जब मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करना होगा और साथ ही सत्ता में आने वाली सरकार को चुनना होगा। हालांकि बीजेपी के लिए इस बार अपनी सत्ता को कायम रखना काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानून लागू किया गया था, इसके कारण मेरठ में जो जाट समुदाय के लोग हैं वो काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसे में उन जाट समुदायों को मनाने के लिए भी एक बैठक आयोजित की गई थी परसों, जिसमें कि जाट समुदाय के बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे। गृह मंत्री अमित शाह खुद उस बैठक में शामिल हुए थे। भाईचारा बैठक उसको नाम दिया गया था और लगातार कोशिश की जा रही है कि जाट समुदाय को भी मनाकर और समझा बुझाकर एक बार फिर से उनसे सहयोग लिया जा सके, एक बार फिर से बीजेपी की सरकार सत्ता में आए।
आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे हस्तिनापुर करेंगे प्रभावी मतदाता संवाद, दोपहर 3 बजे हापुड़ में मतदाता संवाद को करेंगे संबोधित सीएम योगी आदित्यनाथ। आज हापुड़ और मेरठ के दौरे पर पहुंचेंगे। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में भी मतदाताओं से संवाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है, प्रशासन भी अपनी तरफ से मुस्तैद है और प्रशासन की ओर से इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि लोगों को भी यानी कि मतदाताओं को भी इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए कई सुविधाएं दी गई हैं, तो वहीं पार्टियों को भी इस बार कई सुविधाएं दी गई हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुछ ही देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन इसी बीच आपको ये बड़ी खबर बताते चलें कि मेरठ और हापुड़ के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे मेरठ पहुंचेंगे सीएम योगी, जहां उनका स्वागत किया जाएगा और ठीक उसके बाद मतदाताओं से संवाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और बातचीत की जाएगी कि आखिर किस तरह जो कार्यकाल रहा सीएम योगी आदित्यनाथ का, उसमें विकास कार्य किए गए, कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया ताकि जनता का विकास हो और राज्य का विकास हो। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मेरठ से हमारे संवाददाता अरुण सागर जुड़ चुके हैं, वहीं लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, दोनों ही लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपकी ओर रुख करना चाहूंगी प्रदीप, और जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर कब तक सीएम योगी आदित्यनाथ वहां से रवाना होंगे और मेरठ पहुंचेंगे, क्योंकि आज मेरठ और हापुड़ दौरा तय किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ का। टीम के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, फिर वो हापुड़ के लिए जाएंगे, फिर उसके बाद उनका जो अगला कार्यक्रम है वो होगा। अगर हम देखें तो आदित्यनाथ चूंकि देखिए खुद चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निरंतर उनके दौरे जारी हैं। कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्षों तक एक छत्र राज किया है, अब उसी कड़ी में अगला चुनाव को भी भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में लाना चाहती है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर कोविड से संबंधित बैठकों करने के तुरंत बाद जो है अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र में निकल जा रहे हैं, वहां पर डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, फिर उसके बाद मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां भी कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं। पूजा, चलिए ठीक है, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरठ से हमारे संवाददाता अरुण लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। अरुण, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन है मेरठ में, ऐसे में ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, कहीं ना कहीं जनता को मनाने की एक कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से मतदाता संवाद में देखने को मिलेगा। कब तक उनका आगमन होगा, क्या कुछ कार्यक्रम मेरठ में तय किए गए हैं, ये तमाम जानकारी आपसे पहले लेना चाहेंगे। पूजा, मैं आपको बता दूं कि आज मेरठ में मौसम बहुत सुहावना है और धूप बहुत सुनहरी है, आसमान की विजिबिलिटी बिल्कुल साफ है, तो साफ तौर पे सबसे पहले तो यही कहा जा सकता है कि किसी भी कंडीशन में उनका दौरा यहाँ से कैंसिल नहीं होने वाला है और वायुयान से सबसे पहले गाजियाबाद आएंगे और कार के द्वारा फिर वो मेरठ में आएंगे। मैं आपको उनके एक मिनट टू मिनट कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बता दूं, जिसमें दर्शाया गया है कि लगभग 12:25 पर योगी आदित्यनाथ मेरठ में होंगे और वो यहाँ सबसे पहले जिला चिकित्सालय जाएंगे, वहाँ पर निरीक्षण करेंगे, जो कोविड फैसिलिटी है, कोविड प्रबंधन है, उनकी समीक्षा करेंगे। जी पूजा जी, देखिए आज जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल के नेता चौधरी जयंत सिंह भी मेरठ पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण होने वाला है जनता के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से संवाद, क्योंकि कृषि कानून की वजह से मेरठ समुदाय में जितने भी लोग हैं जो जाट समुदाय से संबंध रखते हैं, उनके बीच कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को जरूर मिल रही है। अरुण, इसमें कोई दोराय नहीं है, आज मेरठ का समीकरण सबसे अलग होने वाला है, क्योंकि यूपी के वर्तमान सीएम और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम आज दोनों मेरठ में होंगे और दोनों ही अपने मतदाताओं को, अपने वोटर्स को लुभाने का प्रयास करेंगे। मैं आपको योगी आदित्यनाथ के बारे में अगर बता दूं तो आज इन्हें हस्तिनापुर भी जाना है, वहां पर मतदाता संवाद करना है, और इनके मेरठ कैंट क्षेत्र से जो इनके प्रत्याशी हैं अमित अग्रवाल जी, उनके समर्थन में इन्हें डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करनी है। जी पूजा, बिल्कुल, आप बने रहेगा हमारे साथ। प्रदीप, देखिए आज अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं मेरठ और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं, जहां एक तरफ सीएम योगी कह रहे हैं 2022 चुनाव जनता एक बार फिर मांगे बीजेपी सरकार, वहीं अखिलेश कह रहे हैं कि इस बार हर कोई लाल टोपी में नजर आएगा, कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण हो रहा है ये चुनाव।
देखिए पूजा, अगर बात करें तो निश्चित रूप से पार्टियां जो है वो तो कहती ही है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, ग्राउंड जीरो पर क्या है, ये ग्राउंड पे ही पता चलता है। अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, तो कल मैं खुद मौजूद था अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, और वहां पर जितने भी पश्चिम के टिकट कटे हैं वो हुजूम एक था, और हुजूम ने जो है मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू किए, अखिलेश यादव अपने घर से बाहर नहीं निकले। ऐसी स्थिति में आज वो मेरठ और मुजफ्फरनगर का दौरा कर रहे हैं, उस डैमेज कंट्रोल कर, उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से जिस तरह से जाटों का समर्थन मिला था अखिलेश यादव को, और अखिलेश यादव ने टिकट बंटवारे में जो है गलतियां की, उसका खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना पड़ रहा है। आज चूंकि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की संयुक्त प्रेस वार्ता मुजफ्फरनगर में भी है, मेरठ में भी है, तो देखते हैं कि अब कितना जो है ये जो इनसे नाराज वोटर है जाट समुदाय जो है, देखिए जाट समुदाय का बहुत बड़ा असर होता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश चुनाव में, बीजेपी के साथ जाट समुदाय हमेशा से रहा है, चाहे 2014 की बात करें, 2017-19 या फिर अब 22 की बात करें, तो जाट जो है एक निर्णायक की भूमिका में है, और इस वोट को लुभाने के लिए, इस वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए सीएम योगी ने भी जोर लगाया है और पूर्व मुख्यमंत्री ने भी जोर लगाया है। अब देखना यह है कि जाट किसकी तरफ जाते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि जाट समुदाय को मनाना कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण होने वाला है बीजेपी के लिए, और ऐसे में अखिलेश यादव का भी आगमन मेरठ में कहीं ना कहीं जनता के बीच अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता का रुख किस तरफ बढ़ता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रदीप, और साथ ही अरुण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, जहां आज मेरठ के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और मेरठ पहुंचकर जनता से, मतदाता से मतदाता संवाद करेंगे सीएम योगी। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता श्याम कौशिक हापुड़ से जुड़ चुके हैं। श्याम, हापुड़ आगमन होगा सीएम योगी आदित्यनाथ का, और ऐसे में आज का दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्या कुछ तैयारियों की जो रूपरेखा है वहां पर देखने को मिल रही है, और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि डोर टू डोर के लिए क्या कुछ व्यवस्था वहां पर की गई है कोरोना महामारी के दौरान? जी पूजा जी, आपको बता दें मेरठ से निकलने के बाद सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ 4 बजे के करीब करीब गढ़ विधानसभा, हापुड़ की गढ़ विधानसभा में पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचने के बाद वो अपने वहां के जो प्रभारी हैं, जो प्रत्याशी हैं, हरिंदर चौधरी के साथ मिलकर बात करेंगे, और फिर वही गढ़ विधानसभा के गांव बच्चाना जो जाट प्रमुख है गाँव है उसमें जाके डोर टू डोर अपने प्रत्याशियों के साथ कैंपेन करेंगे और वोट मांगेंगे। जी पूजा, बिल्कुल श्याम, देखिए आज मतदाता संवाद में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां वो मतदाताओं से संवाद करेंगे अपने पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए। लेकिन ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि हापुड़ की जनता क्या कहती है, उनका मूड क्या है? हापुड़ की जनता का यहाँ का चुनावी जो त्रिकोणीय बन गया है पूजा जी, और जो हापुड़ की जो जनता है वह चाहती तो बीजेपी को ही है, बट जाट काफी नाराज नजर आ रहे हैं, और जो दूसरा है बीएसपी उसके फेवर में भी लोग नजर आते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहां पे हम मान सकते हैं कि बीएसपी अभी भी हापुड़ में कहीं ना कहीं अपनी एक जगह बनाए हुए है। जी बीएसपी के मदन चौहान जो सपा के प्रमुख नेता हुआ करते थे और गद्दावर नेता हुआ करते थे, जो टूट के इस टाइम उसमें बीएसपी में आ चुके हैं, और मदन चौहान के आने की वजह से गढ़ का जो चुनाव है वो एक फाइट का केंद्र बन चुका है, जिसमें बीजेपी को काफी बड़ी टक्कर मिलेगी, जिसे योगी आदित्यनाथ आज हरिंदर के फेवर में आके वहां पे वोट मांगेंगे, जिससे बीजेपी की कार्यकर्ताओं में काफी लहर का असर दिखाई दे रहा है। अगर प्रत्याशियों का माने तो उनका साफ कहना है कि योगी आदित्यनाथ का अगर यहाँ पे आते हैं और हमारे फेवर में आज वोट मांगेंगे तो हमें काफी मजबूती नजर आएगी और हमारा चुनाव निकलता हुआ नजर आ रहा है, हम 300 के पार जाएंगे। बिल्कुल, बीजेपी और एसपी के बीच बीएसपी का त्रिकोणी मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। आप देखने वाली बात होगी कि आखिर हापुड़ में किसकी सत्ता कायम होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।